बड़े अपराध को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से एक चमचमाती हुई माउजर सहित दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कोतवाली पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबिरों से सूचना मिली कि आधार काप इलाके का निवासी 22 वर्षीय नीराज रजक अपने पास एक माउजर लिए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है, जिसकी तलाश में निकली पुलिस ने आधार काप पहुंची, जहां से आरोपी युवक भागकर कटनी के मुख्य रेलवे स्टेशन पहुंचा। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी युवक नीराज को धर दबोचा। कोतवाली पुलिस ने जब युवक की तलाशी ली तो उसके पास से एक चमचमाती हुई माउजर सहित दो जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसे जब्त कर आरोपी युवक नीराज से पूछताछ की जा रही है कि वह किस वारदात को अंजाम देने वाला था और उसके पास मिली माउजर कहां से लाया और किसकी माउजर है। जो आधार काप का रहने वाला है, मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पिस्टल लेके घूम रहा है, जिसे पुलिस बल ने दबिश दी, स्टेशन रोड से पकड़ा गया, जिसके पास एक पिस्टल और दो राउंड मिले, जिसे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।